सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो मलिक साहब की आई थी अपने चैनल पे, उस टाइम मैंने बताया था कि बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर फार्मर हैं, डेयरी फार्मर हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो इनका एक्सपीरियंस है वो हर भाई के काम आए। तो उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि हर हफ्ते या 10-15 दिन में हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मलिक साहब आपको पशुओं की बीमारियों से संबंधित एक आसान भाषा में एक डेयरी फार्मर के साथ क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो एक डेयरी फार्मर ही आपको ज़्यादा आसानी से तसल्ली से बात बता सकता है उसके बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो जो नए पशुपालक भाई हैं, नए डेयरी फार्मर हैं, वो जो डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बार उनके पास घर जाके पशु दूध कम कर देता है और वो होपलेस हो जाते हैं। पर डेयरी फार्म का जो बिजनेस है अगले एक या दो साल में वो उससे पीछे हट जाते हैं और छोड़ना चाहते हैं, और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट वो कर चुके होते हैं कि उनका डेयरी फार्म पे, पशुओं पे, और लगभग मैं कहूँगा अगर 20 पशुओं का भी किसी को फार्म करना है तो कम से कम 20 लाख रुपए इन्वेस्ट सेड पे, लेबर का सेड हो गया, डेयरी जो ग्रीन फोडर है, हरे चारा काटने की मशीन है, चक्की है, जो स्टोर है उसके ऊपर काफ़ी खर्चा आ जाता है 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और फिर लगभग 15-20 लाख रुपए पशुओं पे लगा के फिर वो कोई काम छोड़ता है पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर, तो बहुत ही गलत बात होती है। तो आज मलिक साहब से इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि एक नए डेयरी फार्मर को सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि जो नया डेयरी फार्म शुरू करता है उसको पशु परचेज करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताइए जी। सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुरेंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो कि हमारे फार्म पे विजिट करी इन्होंने और किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सोच इनकी किसानों के प्रति। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो नए युवा पशुपालक भाई जो भैंस का काम करना चाहते हैं उनमें बड़ी जिज्ञासा होती है पहले, भैंस का जो काम है इसमें बहुत अच्छी इनकम है, नो डाउट इसमें अच्छी इनकम है, और जो सिटी में काम करते हैं उनको तो दूध के रेट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में ही एक मेजर प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ता है। फर्स्ट तो मैं मेरी तरफ से एडवाइज है कि कोई भी 17-18 किलो से कम का एनिमल डेयरी के लिए परचेज नहीं किया जाए यदि आपने दूध गाउन ब्रीडिंग का काम करना है तो, क्योंकि वो टोटली घाटे का सौदा है। 17-18 किलो से कम की रहेगी तो ना तो उसके बच्चे अच्छे आएंगे, ना आप उनको ज्यादा केयर कर पाएंगे, ना केयर कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, इनकम कम होती है, जिससे कि किसान टूट जाता है। बात रही परचेजिंग की, कई बार किसान भाई 18 से 20 किलो, 22 किलो, 23 किलो के पशु मिल भी जाते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्या आती है, उनके फार्म चेंज होते ही पशु की प्रोडक्शन घट जाती है, जिससे कि किसान ओपलेस हो जाता है। क्योंकि वो बिल्कुल नया है उस फील्ड में, जैसे कि यहाँ से कहीं से भी कोई 20 किलो दूध तोल के ले गया, वहां जाके 15 किलो 14 किलो पे आ जाना। किसी भी भाई के पास से कोई भी नया पशु परचेज करता है, प्रोडक्शन देख भी ली उसने 20 किलो 22 किलो अगले के पास, उसके जस्ट बाद घर जाते ही 5-5-6-6 किलो जो हाईलैंडर भैंस होती है 18-20 किलो की, वो डाउन भी इतना ही ज्यादा करती है। बिल्कुल 10 किलो 8 किलो वाली भैंसें जो होती हैं उनका अप डाउन बहुत कम होता है, वो एक आध किलो में ही सिमट जाती है। हाँ, एक आध किलो में उनका गैप बन पड़ता है, लेकिन इनका 6-6 किलो का 8-8 किलो का गैप आ जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि जो पशुपालक है, जो ब्रीडर है, वो भैंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खिला देते हैं जिससे कि उनकी भैंस को चीनी पिला दी, फॉर एग्जाम्पल दूध पिला दिया, दूध बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो प्रोडक्शन वाली भैंस होती है, जो ब्रीडिंग की भैंस होती है, बर्ड लाइन की अच्छी भैंस होती है, वही प्रोडक्शन देती है। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य देख रेख से, बहुत अच्छी गौर से, आप 1-2 किलो दूध का मार्जिन ही ले सकते हो, 22 किलो वाली का 24 बढ़ा सकते हो, 20 वाली का 22 बढ़ा सकते हो, ये नहीं क्या 15 किलो वाली का 20 बढ़ा दो, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो नए पशुपालकों को फिर उनके आसपास का जो माहौल होता है वो कंफ्यूज कर देता है, अगर जी ये भैंस तो दूध की है ही नहीं, इसको तो कुछ खिला पिला रखा था। आने वाले 2-4 साल में यदि वो भाई इस बिजनेस में सेटल कर पाता है या इस काम को लंबे टाइम कर पाता है तो उसको वो कंफ्यूजन फिर उसका दूर हो जाता है, तो डिमोरलाइज करने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको उनके चक्कर में न पड़े,
और पेशेंस रखें, ये टोटली पेशेंस का काम है। बहुत सारे पशु ऐसे हैं, हमारे फार्म पे भी ऐसे पशु मिले हमने स्टार्टिंग में, एक जो एक साल सेट होने में ले लेते हैं, पूरा साल निकाल देते हैं, जो कि सिर्फ ड्राई फोडर पे रहते हैं, तुरा तुरा खाते हैं, दाना नहीं खाते। तो इसके पास ना कोई डॉक्टरी के पास कोई समाधान है समस्या का, क्योंकि जब पशु अंदर से ही दिमाग ही उसका सेट नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा। बिल्कुल, उसमें क्या होगा, जब पशु अपसेट होगा या तो टेम्परेचर थोड़ा अप हो जाएगा या टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, तो डॉक्टर आएगा क्या करेगा, एंटीबायोटिक और पेन किलर देगा, जिससे कि पशु को और भी ज्यादा हार्सेमेंट होगी, उसका लीवर डैमेज होगा और उसमें एक डर भी पैदा हो जाएगा, नया किला हो गया, नए किले पे आते ही उसको दर्द देना शुरू कर दिया, तो पशु की परेशानी और बढ़ जाएगी, वो सेट होने की बजाय और भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए नए पशुपालक जो होते हैं वो पेशेंस के साथ वेट करें, और महीने दो महीने में कई बार पशु सेट हो जाता है, दो महीने एक महीने का पशु आपने परचेज किया, दो महीने सेट होने लगा, तीन महीने चले गए, जब लग उसका जो पीक होता है वो निकल जाता है, वो निकल जाता, फिर वो कम दूध पे आ जाती है, वैसे ही पे उसकी प्रोडक्शन 20 किलो आएगी, 16 या 17 किलो आ जाएगी, 16 किलो पे आ भी गई तो भी 20 किलो तो आपने नहीं देख पाए उस बात में। बिल्कुल, ऐसे कुछ पशु होते हैं, हर पशु ऐसा नहीं होता, लेकिन 70% हम कह सकते हैं ऐसे पशु होते हैं, 30% पशु ही ऐसे हैं जो अगले के घर जाने के बाद 4-5 दिन में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। सेम इनका बंदों वाले काम होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनको कहीं छोड़ दो मर्जी, अपने आप को एक मिनट में एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं घर चेंज होते हैं, नींद भी नहीं आती, बिल्कुल सेम पशु की फीलिंग बंदे के जैसी होती है, बिल्कुल उसका ओनर चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज हो जाता है। बहुत बार ऐसी समस्या आती है, पशु हमारे फार्म पे इतना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चारा खाते हैं वो, और आगे जाके तिनका नहीं उठाते, और हमने प्रैक्टिकली जाके देखा भी है, ये नहीं है कि वो बंदे वैसे कर रहे हैं, वो देखा भी है पशु बिल्कुल नहीं खाते, तो लेकिन धीरे धीरे फिर वो सेट होते हैं, ये सबको पता है सेट तो होना ही है, और वो बाद में जो ही सेट होते हैं तो उसी टाइम उनकी रिप्रोडक्शन आ जाती है, बिल्कुल वो दूध पे दोबारा आ जाते हैं। और बहुत सारे मलिक साहब ये भी हमें बताएं कि बहुत सारे पशुपालक भाई पशु परचेज कर लेते हैं, तो हरियाणा में वैसे मैं कहूँगा देखने वाले भाइयों को भी कि एक तो पशु की केयर भी यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो जो भी पशुपालक भाई पशु परचेज करता है तो वो भी खुद कोशिश पहले यही करे कि वो भी केयर ज़्यादा ही करेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे भाई फ़ोन पे पशु मंगवा लेते हैं जिसमें दूध की अगर वो खुद आके देखें तो ज़्यादा बेटर, मैं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ से भी आप पशु लें तो 2-3 टाइम दूध देख के सामने फिर लें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? ये आपकी जो बात है वो 100% सत्य है, बहुत सारे लोग ऐसे मंगवा लेते हैं। एक तो मेरी उनसे यही सलाह है कि वो आए, एक तो फीडिंग शेड्यूल देखें, फीडिंग शेड्यूल देखें कि उसको फीडिंग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद 2 टाइम उसका कम से कम 2 टाइम मिल्किंग करें, 2 टाइम में क्लियर हो जाता है, 2 टाइम तो जरूरी है, 2 टाइम देखने से क्लियर हो जाता है। तीसरी बात आपने की, बहुत मजे ही कही, हरियाणा में लोग बड़े अच्छे लगाव के साथ पशुओं को पालते हैं, यही बात मेरे दिमाग में थी। हरियाणा का एक आम पशुपालक जो आम घर में पशु रखता है, जितनी उसकी देखरेख होती है, और अदर स्टेट का बंदा जो ट्रेनिंग भी ले ली जिसने और जो इसमें काफी इंटरेस्ट के साथ काम भी कर रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं, जोर का मतलब वो पूरा फोकस उस पर रख रहा है, और एक हरियाणा का जन साधारण आदमी जितनी केयर करता है वो अदर स्टेट वाले की फिर भी उससे कहीं पीछे होती है, क्योंकि यहाँ तो बेसिकली नॉलेज है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है पशु को किस टाइम पे फीडिंग करना है, किस टाइम पे पानी पिलाना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट, यहाँ ये चीजें ब्लड में है हर आदमी, हाँ ब्लड में है यहाँ पे ये कह सकते हैं। और जो अदर स्टेट से जो भाई आते हैं वो वहाँ पे देसी भैंसे रखते हैं, मैंने बहुत सारे एरिए तो ऐसे देखे हैं कि जो पशु 8 किलो दूध देने वाला है उसको लगभग 1 किलो ज्यादा से ज्यादा फीड एक टाइम भी डाला जाता है और 2 टाइम फीडिंग होती है वहाँ पे। और हरियाणा में मेरे ख्याल से जो आम घर है वहाँ आटा जो है वो लगभग 1 टाइम का 2-2 किलो तो आटा ही लगा देता है किसान, और हर 2 घंटे में उसकी भैंस की खातिरदारी होती रहती है आम घर में। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आटा लगा दिया, कभी हरा चारा लगा दिया, फिर उसका दाना टाइम हो गया, दाना बच गया उसमें फिर आटा मार दिया, यानी कि घर में 4 सदस्य हैं तो चारों फोकस एनिमल के ऊपर रहता है। बिल्कुल, और बहुत बहुत तो पशुपालक ऐसे भी हैं जो आम फार्मर हैं, सेल परचेज का काम भी नहीं करते, उनके यहाँ से कोई सेल परचेज करने वाला डेयरी वाला पशु ले आता है तो वहां तक दूध वो निकाल भी नहीं पाता बहुत बार, तो वो हमारे जैसे जो आप हो हम हैं जो एक्सपर्ट आदमी हैं उनसे भी उस पशु को मेंटेन करना या उसके दिमाग को चेंज करने में महीना लग जाता है।
क्योंकि जितना टाइम वो उस लोकल परिवार में दे पा रहे थे उतना टाइम हम भी नहीं दे पाते उनको। तो लेकिन महीना 20 दिन के बाद में वो पशु रिप्रोडक्शन भी आ जाता है और हमारे सिस्टम के अंदर वो सेट हो जाता है। लेकिन नए जो बंदे होते हैं उनके लिए ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, उनको एक महीने का पेशेंस ही नहीं होता, उससे पहले पेशेंस खो बैठते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज जो बातें हैं वो आप दो टाइम दूध देखें हर पशु का, अपनी तसल्ली करके पशु ले, और जो भी भाई पशुपालक नया पशु लेके आता है थोड़ा सब्र रखें। कई बार हमारे साथ भी होता है कि एक एक साल तक पशु दिल नहीं लगाता और अगले साल जाके फिर वो दोबारा उतना दूध देता है। तो ये सारी बातें ध्यान करने वाली हैं। और कुछ क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? बस यही आखिरी विनती है, जो भाई डेयरी फार्मर को रनिंग करना चाहता है उसको सबसे पहले पेशेंस की, अपने कॉन्फिडेंस की और अननेसेसरी जो एडवाइस करते हैं उनसे बच के रहोगे तो आप डेयरी फार्मिंग को इजीली चला सकते हो। बिल्कुल। और नया डेयरी फार्मर सबसे पहले ये भी ध्यान करे कि शुरू स्टार्ट करने से पहले कि उसका दूध का रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम ले वो जी, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीड के रेट मैं कहूँगा आज के दिन डबल हैं और दूध का रेट मेरे ख्याल से 4 या 5 रुपए ही बढ़ा है। सोर्स ऑफ इनकम बैस का मेनली ब्रीडिंग, बाद में 2-3 साल के बाद आती है ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग का जो बेनिफिट है वो 3-3 साल के बाद मिलता है। फर्स्ट में हमें प्रोडक्शन से ही फार्म को रनिंग करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूध का रेट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राप्त करें ताकि आपका जो फीडिंग का खर्चा है वो निकलता रहे, और अच्छे सीमन का चुनाव करके जो ब्रीडिंग का जो काम है वो आप अच्छे सीमन का चुनाव करके अच्छे बच्चे लेके अच्छे दूध वाली कटड़ियाँ पैदा करके तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अकेला दूध बेच के मेरे ख्याल से सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। एक आदमी 10 या 20 भैंस से अपना डेयरी फार्मिंग करता है तो 3 साल के बाद कम से कम उसको मार्केट से पशु परचेज नहीं करना पड़े, आपकी खुद की ऐसी फीमेल उसके घर पे तैयार हो जाए, वो होंगी जब भी जब आप अच्छे सीमन का इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल। तो ये आज का जो टॉपिक था मैं कहूँगा लगभग इसमें सारी बातें कवर हो गई हैं। और देखने वाले भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि मलिक साहब को जो दवाइयों के बारे में, पशुओं की बीमारियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो नेक्स्ट वीडियो है आप वो किस टॉपिक पे चाह रहे हैं और आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी। इन फ्यूचर भी हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, जो भी डिमांड होगी उस हिसाब से अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे मलिक साहब के साथ। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत ही काम की जो बातें आज इन्होंने बताई हैं मैं कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके और जो भी नए पशुपालक हैं डेयरी फार्मर हैं उनके ये बातें काम आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।